फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज मैं हूँ आपके साथ एक बहुत ही खास रेसिपी लेके, जो बनेगी आलू की और उसका नाम है आलू दो प्याजा। सो उससे पहले लेके चलती हूँ मैं आपको अपनी किचन में, लेट्स गो। तो आलू दो प्याज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दो बड़े आलू। तो सबसे पहले हम ऑन करेंगे अपनी गैस। पानी जब उबल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, मतलब पहले ही डाल देंगे और ये उबल जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे आलू। देखिए, दो मिनट तक ये पानी उबल चुका है, अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, इसमें से छान देंगे। दो टमाटर चाहिए जिसको हमने कद्दूकस करा है, आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। दो प्याज मीडियम साइज़ के जिसे हमने कद्दूकस किया है, आप इसे चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल, दही, एक कटोरी दही, दो मीडियम साइज़ के प्याज और चाहिए। ये हम क्यूब में काटेंगे, ये मैं आपको बताऊँगी कि हमने कैसे कट करना है इसे। पाँच हमें चाहिए गार्लिक्स की क्लोव, तो इसे हम कूटेंगे, कूट के यूज़ करेंगे। नमक, साबुत लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। तो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। अपनी गैस को हाई फ्लेम पे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल आलू को डीप फ्राई करने के लिए। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हम एक मैं हमेशा तेल को एक ही बार यूज़ करती हूँ, उसे दो बार यूज़ नहीं करती एक बार यूज़ करने के बाद। तो थोड़ा सा ही तेल डालिए, उसमें भी आपके आलू क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। सो धीरे धीरे डालिएगा। हम इसे शैलो फ्राई करने के बाद क्रिस्पी करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपना रेडी करेंगे आलू प्याज का मसाला। देखिए, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई, ये आलू जो हमने लिया है वो हमने इसका पील ऑफ करके नहीं लिया है, हमने इसको ऐसे ही पूरा लिया है। देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में से गैस स्लो करके, गैस की फ्लेम स्लो करके इसको निकाल लेंगे। आलू निकालने के बाद ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं और अब हम इसमें मिलाएंगे अपने सूखे मसाले। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च ले लीजिए, एक से डेढ़ चम्मच हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला, दो चम्मच धनिया पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको आप अपने हाथ से मिला लीजिए, आलू को कोट कर लीजिए अच्छे से। और इसमें हम डालेंगे दही। दही थोड़ा थिक हो तो ही अच्छा है, तो इस ग्रेवी में बहुत अच्छा थिक टेक्सचर आता है। तो हम इस तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम गार्लिक को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। क्रश करने से गार्लिक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए, क्रश हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दो साबुत लाल मिर्च ली थी,
उसको हमने टुकड़ों में क्रश करके वो हम इसमें डाल देंगे, और इसके अंदर से जो सीड्स थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे, उसको डालते ही हम इसमें डाल देंगे गार्लिक, हल्का सा गार्लिक का कलर चेंज हो गया, तो हम इसमें डालेंगे जो हमने कद्दूकस करके प्याज रखा था उसको। ये हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। जब अनियन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जो हमने कद्दूकस करके टमाटर रखा था वो। अब ये थोड़ा सा हो जाए फिर हम डालेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें डाल दें टमाटर। ये हमें पूरी रेसिपी हाई फ्लेम पे ही बनानी है, और आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनती है। मैं जनरली सारी रेसिपीज अपनी इस टाइप की लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। देखिए हम अनियन को, वो हमारा टमाटर वहाँ पे फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ अपना अनियन। ये है एक होल अनियन, इसको हमने लिया बीच में से कट किया, एक जो ऐसे कट हो गया उसको भी बीच में से कट करके इसको एक बार और कट कर लिया। फिर हम इसको इसके जो क्यूब्स हैं उसे ऐसे करके निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे अनियन को कर लेंगे। हम इस रेसिपी को हाई फ्लेम पे बना रहे हैं तो बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि मसाला जल ना जाए। मसाला भुन के रेडी हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे अपने अनियन के क्यूब्स। ये जो इस तरह से हमने क्यूब्स बनाए हैं अपने, इनको हम इसमें मसाले में डाल देंगे। ऐड कर डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने आलू के मटेरियल में मसाला ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो अब हल्का सा ये फ्राई हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे अपना आलू का मटेरियल जो कि 10 मिनट तक मैरिनेट हो चुका है। में डालेंगे एक ग्लास पानी, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ड्राई खाना है तो पानी कम डालिए, और थोड़ा ग्रेवी वाला खाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए। इसमें हम दो तरह से प्याज को यूज़ करते हैं, एक तो ग्रेट करके और एक क्यूब्स में, तो इसीलिए हम इस रेसिपी को बोलते हैं दो प्याज़ा, आलू दो प्याज़ा। इस रेसिपी को हमें सिर्फ बॉईल होने तक पकाना है, और जब देखिए साइड में से हमारा तेल भी निकलने लगा है, दही भी थोड़ा अपना ऑयल रिलीज़ करता है, तो बस ये इतना करके आपकी रेसिपी रेडी हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा टेस्ट इस रेसिपी का आता है। तो अब हम करेंगे गैस को बंद और करेंगे इसकी एक प्लेटिंग। देखिए ना इसमें क्रीम गई है ना ही इसमें काजू का कोई पेस्ट, फिर भी ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनके तैयार है। आपके घर में कोई भी आता है गेस्ट तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी।
सो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए। सो अब मैं आती हूँ आपके साथ एक कुछ नई रेसिपी लेके, या कुछ DIY लेके, या कुछ नया लेके। सो तब तक के लिए बाय, सी यू।